डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के बारे में बोलना चाहता हूँ। डायग्नोसिस होता है, आपको पहले खाली पेट पे शुगर देना पड़ता है, उसके बाद 1.5 घंटे के बाद फास्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद एक और सैंपल देना पड़ता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है HbA1c वाली। HbA1c वैल्यू जो रहता है वो 3 महीने का एवरेज शुगर के वैल्यू में के बारे में बोल देता है। अब HbA1c हमको पता चलता है कि 3 महीने का प्रीवियस कंट्रोल कितना था या नहीं। अगर HbA1c ज़्यादा है, यूजली 5.6 को हम बिलो 5.4 इज़ नॉर्मल, 5.4 to 6 में बोलते हैं यस इसे प्री डायबिटिक रेंज वी कैन कंट्रोल बाई। अब डायबिटीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। 6 के ऊपर है और 7 से ऊपर है जो ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है और डायबिटीज कंपलसरी जाना स्टार्ट करना पड़ता है। मेडिकेशन ओरल मेडिकेशन या इंसुलिन एज पर इंडिकेशन के ऊपर स्टार्ट करना पड़ता है। दूसरा है आपका BP के बारे में, यस ये सभी डायबिटीज हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल, दे आर ऑल रिलेटेड लाइक ब्रदर्स। या BP शुड बी ऑलवेज बी चेक इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, बिकॉज आपको डायबिटीज है तो ओबेसिटी भी रहेगा, ओबेसिटी का BP भी आ सकता है, तो BP का कंट्रोल करना पड़ता है। एवरेज BP 125/85 रहता है, अगर उससे ऊपर है तो बिलो 140/90 वी ऑलवेज ट्राई टू से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड से, वॉकिंग से कंट्रोल करना पड़ता है एंड आपको रेगुलरली आपका BP का मॉनिटर करना पड़ता है। एंड थर्ड थिंग इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर डायबिटीज। कोलेस्ट्रॉल आपको फैमिली जीन्स है, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं, तो आपको 6 महीने में एक बार कोलेस्ट्रॉल करना पड़ता है। एंड स्पेशली कोलेस्ट्रॉल में आपको देखेंगे आपका ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कितना है, VLDL कितना है, ऐसे भी बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, स्पेशली LDL एंड VLDL। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो रहता है HDL एंड ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, यूजली हम यूरोपियन स्टैंडर्ड देखिए जाए तो बिलो 70 बोलते हैं एंड इंडियन स्टैंडर्ड अप टू 90 to 100 बोलते हैं, उसके नीचे भी होना है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या बोलने का है कि आपको खाने में यू शुड बी वेरी केयरफुल, ऑयली फूड्स नहीं खाने का है, जंक फूड्स नहीं खाने का है, स्पेशली इन द नाइट टाइम्स यू शुड ट्राई टू अवॉइड एज मच एज फ्राइड आइटम्स एज मच एज पॉसिबल। आओ हरे भरे सब्जियाँ ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा खाने का है, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाने का है, जो भी जो डायबिटिक रेंज में नहीं आते वो सब खाने का है।